हेलो फ्रेंड। तो इस वीडियो में आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 एक्सपेंशंस की एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड यहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर 5 नोट डाउन कर लिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, टू ब्रैकेट के अंदर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इजिकल टू में 5x। हमें वैल्यू फाइंड करनी है पार्ट वन में एक्स माइनस वन अपान एक्स की, और पार्ट टू में हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब की। तो चलिए पहले पार्ट वन के लिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर जो ये इक्वेशन दी गई है, पहले इस इक्वेशन को नीचे नोट डाउन कर लेंगे। तो इसे मैंने कर लिया है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसे एज इट इज नीचे लिख लेंगे। तो इसे मैंने लिख लिया है। और देखिए यहाँ पर इक्वल में लिखा है 5x, जो ये x लिखा है इसे उठाएंगे इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के नीचे ले आएंगे। तो चलिए ले आते हैं, इसे मैंने लिख लिया है, और इक्वल लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा है, x तो हम नीचे ले गए, अब यहाँ पर ओनली 5 बचा है तो 5 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर से ये जो इंटू में 2 लिखा था, इस 2 को उठाएंगे इस 5 के नीचे ले आएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर इसके इक्वल में ये 5/2 आ जाएगा। तो फ्रेंड अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के नीचे एक बार एक्स लिखेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पर प्लस लगा करके 1 के नीचे एक बार एक्स लिखेंगे, मतलब प्लस लगाएंगे और 1/x लिखेंगे। अब इक्वल लगा करके यहाँ पर 5/2 एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए ये ऊपर एक्स स्क्वायर है और नीचे एक्स है, तो क्या करेंगे, ये नीचे वाला जो एक्स है ऊपर वाले एक्स के स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। तो चलिए इसे कर देते हैं यहाँ पर। तो ये स्क्वायर जो जो नीचे वाला एक्स है ये ऊपर वाले एक्स के स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर जो बचा है ओनली अब एक्स बचा है, तो यहाँ पर एक्स लिख देंगे और प्लस लगा है यहाँ पर से आगे 1/x लिखा है, तो इसे प्लस लगा करके 1/x लिख लेंगे। और इक्वल में जो लिखा है यहाँ पर से, सॉरी 5/2 लिखा है, तो इसे मैंने 5/2 एज इट इज ऐसे ही लिख लिया है। और इसे फ्रेंड यहाँ पर इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट लेट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, चलिए मैं यहाँ पर फार्मूला लिख के दिखाता हूँ। तो ये एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर इजिकल टू होता है एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर और -4, ये होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर लिखा है इक्वल के राइट साइड में एक्स प्लस 1/x, इसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से 5/2 पुट कर देंगे। तो चलिए सिर्फ हम लोग इसमें अभी वैल्यू रख रहे हैं, तो अभी मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पर एक्स प्लस 1/x की जगह पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वैल्यू पुट कर दी है 5/2। तो चलिए अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे, यहाँ पर 5/2 इस पूरे पर होल स्क्वायर लगा है, तो इसका हम लोग स्क्वायर ओपन करके लिख लेंगे, मतलब 25/4 लिखेंगे इसकी जगह पर। तो चलिए लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो इसे प्रिंट मैंने करके यहाँ पे लिख लिया है, तो ये 25/4 यहाँ पर 4 लिख लिया है, यहाँ पर 5/2 का मैंने स्क्वायर कर दिया है, तो ये 25/4 हो गया है। अब इसे क्या करेंगे, देखिए और थोड़ा आगे नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे, 25 को तो एज इट इज ऐसे लिख लेंगे, और ये जो 4 है इस 4 से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये 4×4=16 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे यहाँ पर, तब इस प्रकार ये 25 - 16/4 हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे, 25 से 16 माइनस कर देंगे, तो चलिए कर लेते हैं, तो 9/4 यहाँ पर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे ये जो लेफ्ट साइड में चल रहा है एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर, इसको एज इट इज ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ पर 25 - 16/4 ये जो लिखा है, तो इसे सिंप्लीफाई करने पर 9/4 मिल जाएगा। तो चलिए आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इधर से ये स्क्वायर हटा देंगे और इसके ऊपर जो 9/4 लिखा है राइट साइड में, इसके ऊपर अंडर रूट ले लेंगे, लग जाएगा। जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इस पर अंडर रूट आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, तो ये प्लस माइनस अंडर रूट आ गया है। तो फ्रेंड देखिए इसके आगे हम लोग सिंप्लीफाई कर करके लिख सकते हैं, जो लिखा है यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 9/4, तो 9/4 को हम लोग 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर। तो चलिए लिख लेते हैं, ये मैंने लिख लिया है 9/4 को अंडर रूट के अंदर 3/2 का होल स्क्वायर मैंने लिख लिया है। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो स्क्वायर है इस अंडर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा,
तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा क्या है, यहाँ पर प्लस माइनस 3/2 बचा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ये जो राइट साइड में लिखा है एक्स माइनस 1/x इजिकल टू प्लस माइनस 3/2। तो फ्रेंड देखिए पार्ट वन में हमसे एक्स माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था, तो ये यहाँ पर से हमने एक्स माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड कर ली है जो कि प्लस माइनस 3/2 है। तो फ्रेंड यही पार्ट वन का आंसर है। तो फ्रेंड इसे क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकेंड लेट कर लेंगे। तो चलिए अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड यहाँ पर अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए जो पहले अभी मैंने पार्ट वन में जो इक्वेशन फाइंड की थी, यहाँ पर ये एक्स माइनस 1/x इजिकल टू प्लस माइनस 3/2, तो ये इक्वेशन हमने फाइंड की थी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका दोनों साइड में क्यूब ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर से देखिए पार्ट टू में हमें एक्स क्यूब माइनस 1/x³ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो इक्वेशन नंबर टू अभी मैंने जो पार्ट वन के लिए आंसर फाइंड किया था, ये वही वाली इक्वेशन है, इसका क्या करेंगे दोनों साइड में क्यूब ले लेंगे। तो यहाँ पर आप पहले लिख लेंगे टेकिंग क्यूब ऑन द बोथ साइड, हम ऐसे ही यहाँ पर क्यूब लगा करके लिख लेंगे। तो इसे मैंने एक्स माइनस 1/x पर क्यूब लगा लिया है इधर, और इधर भी हम लोग क्या करेंगे प्लस माइनस 3/2 पर क्यूब ले लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो एक्स माइनस 1/x का होल क्यूब हम लोग यहाँ पर एक्सपेंड कर देंगे। चलिए मैं लिख के दिखाता हूँ यहाँ पर, ये एक्स माइनस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू होता है एक्स क्यूब माइनस 1/x³ माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस 1/x। तो ये यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर इसे मैंने एक्सपेंड कर दिया है, ये फार्मूला अप्लाई कर दिया है, और इक्वल लगा करके यहाँ पर क्या कर देंगे, ये इसका क्यूब मैंने लिख लिया है, ये 2/3 का क्यूब जो यहाँ पर हो जाएगा 27/8, तो इसे मैंने लिख लिया है। अब चलिए फ्रेंड क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो लिखा है लेफ्ट साइड में एक्स क्यूब माइनस 1/x³, इसको तो एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे यहाँ पर, और माइनस 3 को भी मैंने लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर एक्स माइनस 1/x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में दी गई है, तो इसे प्लस माइनस 3/2 रख देंगे इसकी वैल्यू यहाँ पर। तो एक्स माइनस 1/x की जगह पर यहाँ पर रखेंगे ब्रैकेट लगा करके प्लस माइनस 3/2, और इक्वल लगा करके यहाँ पर प्लस माइनस 27/8 एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। तो और थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए यहाँ पर एक्स माइनस 1/x³ को तो एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। तो अब ये जो 3 है ये अंदर इस वाले 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 3 जा 9 हो जाएगा। देखिए जो माइनस साइन लगा था उसको एज इट इज ऐसे ही लगा रहने देंगे, यहाँ पर ये जो 3 है इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस, और ये प्लस माइनस 9/2 हो जाएगा, इक्वल लगा करके यहाँ पर प्लस माइनस 27/8 एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड, देखिए इधर हम लोग एक्स क्यूब माइनस 1/x³ को तो एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो माइनस का है यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस 9/2, इसे उठाएंगे लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे, तब ये प्लस का हो जाएगा। अंदर जो ये लिखा है ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस, इसके साथ में कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे। ये जो नंबर इधर, सॉरी इधर ये जो साइन लिखा है माइनस का, ये इसके साथ में हम लोग इसे चेंज करेंगे, जब ये इधर आएगा तब ये प्लस का हो जाएगा राइट साइड में। तो चलिए कर लेते हैं, यहाँ पर इक्वल लगा करके 27/8 प्लस माइनस का एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। अब ये जो लिखा था यहाँ पर ब्रैकेट के साथ में माइनस, और ये प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर 9/2, इसे उठाएंगे राइट साइड में ले जाएंगे, तब ये प्लस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों टर्म किसके प्लस के हो गए हैं, यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 1/x³ को एज इट इज ऐसे ही एक बार लिख लेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये 27/8 है प्लस माइनस का, फिर ब्रैकेट में प्लस लगा है, और फिर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर प्लस माइनस 9/2 है, तो इसके डिनोमिनेटर में 8 है और इसके डिनोमिनेटर में 2 है, तो इसके भी डिनोमिनेटर में हम लोग 8 बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों को ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तब इसके भी डिनोमिनेटर में 4 सॉरी 8 बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पर अब इसे क्या करेंगे, यहाँ पर से ये जो लेफ्ट साइड में लिखा है एक्स क्यूब माइनस 1/x³, इसको तो एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे, इक्वल लगाएंगे यहाँ पर,
देखिए ये इस नंबर के साथ में भी प्लस माइनस है और यहाँ पर ये इस नंबर के भी साथ में प्लस माइनस है, तो इसे हम लोग यहाँ पर आगे प्लस माइनस कॉमन लेकर के लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये 27/8 है, अब यहाँ पर ये जब 9 और 4 की मल्टीप्लाई करा देंगे तब ये 36 हो जाएगा और नीचे 4 2 8 हो जाएगा, यानी कि दोनों नंबर जो दो टर्म यहाँ पर हैं इनके दोनों टर्म में 8 डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो एक बार 8 नीचे लिख लेंगे। अब इधर देख रहे हैं हम लोग ऊपर 27 है और बीच में प्लस साइन है और इधर ये 4 9 36 हो जाएगा, मतलब 27 और 36, फिर यहाँ पर ये 63 हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए यही इसका आंसर है, हमसे पार्ट टू में x³ - 1/x³ की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, तो मैंने यहाँ पर फाइंड कर लिया है x³ - 1/x³ = +63/8। तो फ्रेंड यही पार्ट टू का आंसर है। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट करें। अगर आप चाहते हैं कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलेंगे फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।